सो हेलो गाइज, वेलकम टू दिस एलएलएम कोर्स। माय नेम इज प्रतीक शर्मा और यहाँ पर जो हमारा पिनोलॉजी ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर का जो है सब्जेक्ट चल रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ईजी भी है, लेकिन थोड़ा सा जो है टेक्निकल हो सकता है कई बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी इसको हम बहुत आसानी से जो है यहाँ पर समझ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर दो पार्ट जो है इस वीडियो के बन चुके हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर जो है ये डिस्कस करा था हिस्ट्री जो है इसकी, और अगस्त फॉरल जी ने जो है यहाँ पर अपने बुक के अंदर इसको डिफाइन करा था पिनोलॉजी को 18 सेंचुरी के अंदर, प्लस उससे पहले जो हमने इसके अप्रोचेज और ये सारी चीजें भी डिस्कस कर ली थी। तो दो पार्ट जो हमारे सब्जेक्ट के जो है बन चुके हैं। अब ये थर्ड पार्ट जो यहाँ पर मैं शुरू करने वाला हूँ आज, जो जिसका टॉपिक का नाम है जो थर्ड पार्ट के अंदर आज रहने वाला है हमारा, दैट इज करेक्शनल फिलोसफी ऑफ ऑफेंडर। ठीक है जी, नाम से ही टॉपिक के समझ आ रहा है करेक्शनल फिलोसफी ऑफ ऑफेंडर। इसका मतलब यहाँ पर जो क्रिमिनल है, जो ऑफेंडर है, उसको हम करेक्शन मेथड से ठीक करेंगे। शायद यही हम सोच पा रहे हैं इस टॉपिक को देखकर। बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं। करेक्शन मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, रिहैबिलिटेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, अब इसको डिस्कस करते हैं। अभी जो हम आप लोगों का जो सस्पेंस है उसे नहीं तोड़ता है। ठीक है जी, चलो जी। तो करेक्शनल फिलोसफी ऑफ ऑफेंडर क्या कह रहा है, द पनिशमेंट अंडर द करेक्शनल फिलोसफी एम्स एट द रिहैबिलिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफ द ऑफेंडर एंड देयर फोर इंसिस्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रिजनर्स एज पर इंडिविजुअल सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। आसान हो गया। ये क्या कह रहा है कि करेक्शनल मेथड के अंदर जो है हमारी, या करेक्शनल फिलोसफी के अंदर जो है रिहेबिलिटेशन के ऊपर जो है हमारा ध्यान रहता है। आसान है जी, रिहेबिलिटेशन के ऊपर ध्यान रह रहा है किसके, क्रिमिनल के, ऑफेंडर के। एंड देयरफॉर इंसिस्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रिजनर्स एज पर इंडिविजुअल सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। सो सेकंड पॉइंट, दिस अप्रोच एसर्ट्स दैट डिटरेंट वैल्यू डज नॉट लाई इन द सिवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट बट इन द एजुकेटिव एंड मॉरलाइजिंग फंक्शन ऑफ द लॉ। कितना आसान हो गया। कह रहा है कि डिटरेंट फंक्शन जो है अपने इसका वैल्यू का, वो सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट में नहीं रहता है कि यार खूब सीवियर कर दो पनिशमेंट तो बंदा जो है वो ऑफेंस करेगा ही नहीं। हमारे को जो है, कहते ना कई चीजें जो है प्यार से हो जाती है रेदर देन डांट टपाड़ के, वो वाली चीज आ गई यहाँ पर कि इतनी सीवियर पनिशमेंट करने के बाद भी वो उसमें कहने की रिवेंज का ना वो बन जाता है माइंड के अंदर कि अच्छा जी मेरे को इतनी तगड़ी पनिशमेंट दिलवाई है इसको मारने की वजह से, मैं अब्बा और इसके पूरी फैमिली खत्म कर दूंगा, एक ये बन जाता है। तो उससे अच्छा जो है ये है कि भाई एजुकेशन दो उस आदमी को, मॉरल उसका जो फंक्शन है वो इम्प्रूव कर दो, ताकि उसको एजुकेशन दो, उसको रिफॉर्म करो। इन शॉर्ट सही यहाँ पर वर्ड जो होगा यूज करने के लिए वो रहेगा जी रिफॉर्म करो। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं अपना यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ करेक्शनल प्रोसेस। करेक्शनल प्रोसेस का कंसेप्ट क्या है ये देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, इट इज डिफाइंड एज द एफर्ट टू रिस्टोर अ मैन टू द सोसाइटी एज अ बेटर एंड गुड सिटीजन, बहुत इंपॉर्टेंट। कहते ये इस तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर एक आदमी को, औरत भी हो सकती है यहाँ पर, जिस आदमी आदमी या औरत को हम सोसाइटी के अंदर एज अ बेटर और गुड सिटीजन दोबारा रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो एक गलत पाथ पे चल चुका है या चल चुकी है, उसको जो हम सही पाथ पर लाकर सोसाइटी के अंदर एज अ गुड पर्सन, गुड सिटीजन उसको हेल्प कर रहे हैं। सेकेंड, इट एम्ड एट मॉरल इंप्रूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल, शार्पनिंग ऑफ हिज इंटेलेक्ट एंड डेवलपिंग सेंस ऑफ ऑनेस्टी। वही चीज़ हो गई कि मॉरल इंप्रूवमेंट हमने करना है इंडिविजुअल का, शार्पन करना है उसके इंटेलेक्चुअल जो माइंड से रिलेटेड है, और डेवलप करना है उसके अंदर एक सेंस ऑफ ऑनेस्टी का, सच्चाई को जो है उसके अंदर हमने एलिमेंट डाल देना है। आसान है जी। थर्ड पॉइंट, विक्टर हेग जो एक फिलोसफर रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा, रिमार्क दैट टू ओपन अ स्कूल इज टू क्लोज अ प्रिजन। वाह भाई वाह, क्या मजेदार बात कह दी है विक्टर हेग भाई साहब ने जो है, कितनी बढ़िया बात कही है। कह रहे हैं कि जी अगर एक स्कूल खुला वहीं पर जो है एक प्रिजन बंद हो जाएगा। वाह भाई वाह, मजा आ गया। ठीक है जी, कितनी बढ़िया बात कह दी है। तो हमारे यहाँ पर जस्टिस कृष्णा अय्यर भाई बाहर वाले भी बढ़िया बात कहे, हमारे अंदर इंडिया वाले भी बढ़िया बात कहेंगे। क्या बात कही है जी, सेड दैट क्रिमिनल्स आर नॉट बॉर्न बट आर मेड। वाओ कितनी इंटरेस्टिंग बात कही है। आप लोगों को हो सकता है बोरिंग लग रहा हो, कहे यार क्या आदमी है, वाओ वाओ कर रहा है। अरे यार समझो इस चीज को, कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, एक एक लाइन के अंदर इतनी गहरी बात कह दे रहे हैं ना ये लोग, जो बहुत ही जरूरी है समझना। इतनी बढ़िया बात, क्रिमिनल्स आर नॉट बॉर्न बट आर मेड, मतलब वो पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। इस तरीके से बनाया जाता है, कहीं वो समझ नहीं आया यार बनाया कैसे जाएगा, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स उसको भाई एक्सक्लूड कर रहे हैं सोसाइटी, है गंदा है काला है छोटा है बोना है लंबा, इस तरीके से है तू बेकार आदमी, एक्सक्लूड कर रहे हैं उसके, क्रिमिनल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी ब्रेन के अंदर, या फिर है तू गंदा है छुआछूत मचा रखी है उससे, इस तरीके से, या फिर पॉवर्टी है, गरीब है, इलिटरेट है, नादान है, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। तो पैदा नहीं होता, क्रिमिनल बन जाता है ड्यू टू सोसाइटी, ड्यू टू मेनी अदर फैक्टर्स। लास्ट पॉइंट, देर आर मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व व्हेन द क्राइम इज कमिटेड, कई सारे फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं। पीटीओ मतलब पेज टर्न ओवर, इसको भी मत लिख लेना नोट्स में।
देन वी हैव दीज फैक्टर्स मे बी सोशल इकोनॉमिकल एंड मे रिजल्ट इन द वैल्यू इरोजन और द पेरेंटल निगलेक्ट। वही चीज़ होगी जो मैं अभी समझा रहा था आपको कि इकोनॉमिकल हो सकते हैं सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर वही निगलेक्ट करना और इकोनॉमिकल फैक्टर गरीबी, और या फिर जो है ये वैल्यू इरोजन जैसे कि पेरेंटल लैक ऑफ पेरेंटल केयर, पेरेंटल निगलेक्ट, बच्चे को छोड़ दे बेकार बच्चा है ये, तो इस तरीके का। नेक्स्ट वी हैव फॉर्म्स ऑफ द पनिशमेंट, ये अगला टॉपिक है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट के अंदर पहला पॉइंट आ रहा है द मेथड्स ऑफ पनिशमेंट आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द करेक्शन एंड रिफॉर्मेशन ऑफ द रिफॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंडर। बहुत आसान हो गया। तो जो मेथड्स है पनिशमेंट में वो डायरेक्टली रिलेटेड है कि भैया वो बंदा जो है सुधर जाए और रिफॉर्म हो जाए, कौन, क्रिमिनल। कैपिटल पनिशमेंट लीव्स नो स्कोप फॉर एनी काइंड फॉर रिफॉर्मेशन और ऑफ द ऑफेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं जो यार कैपिटल पनिशमेंट है। कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है जी, एक सेकेंड। हाँ, कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है जी, ये डेथ सेंटेंस, हैंग टिल डेथ, फांसी पे चढ़ा देना। तुम खुद ही बताओ, फांसी पे चढ़ाना, ठीक है चढ़ा दिया, डर भी क्रिएट हो गया सोसाइटी में, लेकिन क्या वो बंदा सुधरा? अरे सुधरा नहीं, सुधार सुधार गया स्वर्ग। ठीक है, तो ये जो है एक प्रॉपर वे जो है नहीं समझ पा रहे हैं ये, कि यार रिफॉर्मेशन का जो एलिमेंट है वो गायब है कैपिटल पनिशमेंट। तो सीधा ही कांड कर दिया तुमने, आर या पार वाली बात कर दी। ठीक है जी, तो हमने रिफॉर्म करना है क्रिमिनल को एज अ गुड पर्सन सोसाइटी के अंदर। यार बहुत बुरा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, और फिर ये, फिर अब निर्भया केस का एग्जाम्पल ले लो, छोटा ही था वो लेकिन फिर भी बेचारे को, अब बताओ कितना बढ़िया रहता अगर उसको रिफॉर्म करके हम यहाँ पर ले आते और वापस उससे कुछ काम कराते। यार यंग जनरेशन है, इंडिया क्यों डेवलप हो रहा है, क्यों डेवलपमेंट, क्यों चाइना ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि उनके पास यंग पॉपुलेशन बहुत है, वर्किंग पॉपुलेशन बहुत है। जितना जिस कंट्री के पास बूढ़े आदमी होंगे, ओल्डर पीपल होंगे ना, उतनी उनकी डेवलपमेंट कम होगी। क्यों? क्योंकि बूढ़ा आदमी के पास एक्सपीरियंस तो होता है लेकिन काम करने का जज्बा नहीं होता, जोश नहीं होता, पावर नहीं रहती, हड्डियाँ कमजोर हो गई, मसल लॉस हो रहा, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो यंग पॉपुलेशन होती है उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता लेकिन उनके पास काम करने का जज्बा बहुत होता है, वो काम अच्छे कर सकते हैं, लेबर जो है अच्छी मिल जाएंगी हमें। तो चलो कोई नहीं, हमारे यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट को रोक तो रहे हैं, वैसे प्रॉपरली नहीं रोका, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है। ये भी जो है सारी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। चलो जी नेक्स्ट चल देते हैं, यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट लीव्स नो स्कोप। ठीक है जी, तो सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी हमारे यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ ये बता रहा है पनिशमेंट की, कौन कौन से तरीके की पनिशमेंट होती है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 53, एक जगह इसको नोट कर लो ध्यान से। सेक्शन 53 के अंदर आ रहा है, पहला आता है जी डेथ, वही कैपिटल पनिशमेंट हो गई हमारी। दूसरा लाइफ इंप्रिजनमेंट, ठीक है जी, पूरी लाइफ की। और चौथे इंप्रिजनमेंट। अब जो इंप्रिजनमेंट है वो भी जो है फर्दर चार पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इंप्रिजनमेंट कह लो या पनिशमेंट कह लो इसको। पहले है रिग्रोस इंप्रिजनमेंट, क्या होता है? इंप्रिजनमेंट विद लेबर, कि भाई सफाई वफाई करवाओ इससे, लेबर वाले काम कराओ, या फिर बाहर निकाल के इसको, भाई तू गटर साफ कर निकल के, इस तरीके के। तो रिगोरस हो गए, थोड़ी सी टफ हो जाती है इसके अंदर, और चीजें भी जो है थोड़ी टफर चीजें भी जो है कराई जाती हैं यहाँ पर। दूसरा सिंपल इंप्रिजनमेंट, सिंपल जो है अंडरस्टूड है नाम से, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी जब्त कर लेना। और चौथा फाइन, ये भी जो है काइंड ऑफ हमारी पनिशमेंट होगा। ईजी है जी, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। वेयर इट हैज नॉट येट बीन अबॉलिश्ड इट इज अवॉर्डेड इन एक्सेप्शनल केसेस। वही चीज होगी जो कैपिटल पनिशमेंट है या डेथ सेंटेंस है, जहां पर नहीं अबॉलिश्ड है, वैसे तो कई कंट्रीज में अबॉलिश हो चुका है लेकिन जहां पर नहीं भी अबॉलिश्ड है वहां पर भी बहुत एक्सेप्शनल केसेस के अंदर या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस के अंदर जो है वो दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया के अंदर। सो देर इज ऑलवेज एन ऑप्शन टू अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑन कन्विक्शन एंड सेंटेंस इशू। तो ऑब्वियसली तुम सुप्रीम कोर्ट, तुम्हारे दरवाजे खुले हुए हैं अपील के लिए अगर तुम्हारे को कोई भी प्रॉब्लम है सेंटेंस या कन्विक्शन से रिलेटेड। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर करेक्शनल करेक्शनल मेजर्स। ठीक है जी, करेक्शनल मेजर्स क्या कह रहा है? इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जहां पर भी कंटेम्प्रेरी वर्ड आ जाए, मैंने देखा कई बच्चे डर जाते हैं, अरे यार इसका क्या मतलब हो गया। कंटेम्प्रेरी मतलब प्रेजेंट वर्ल्ड, आज की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, प्रेजेंटली। सो इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड द ट्रीटमेंट मेथड्स डिवाइज्ड आर एम्ड एट द रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द ऑफेंडर। ठीक है जी, आज के टाइम पर हम लोग जो है रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, रेदर देन द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ पनिशमेंट, की भाई जेल में डाल दो, फांसी पे चढ़ा दो एंड ऑल। सेकेंड, द मेन फोकस अंडर द मॉडर्न करेक्शनल प्रोसेस इज अपॉन द क्रिमिनल। आसान है, ऑल दो द सेंटेंसिंग जज वॉज नॉट बाउंड टू चूज द पेनल्टीज डिजाइन फॉर रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द ऑफेंडर। ऑब्वियसली जज जो है वो बाउंड नहीं है रिहेबिलिटेशन या रिफॉर्मेशन वाले जो प्रोविजन है उसको ही फॉलो करे वो, ना वो चाहे तो ट्रेडिशनल मेथड में भी जा सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटली जज के ऊपर है, यहाँ पर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। सो द मेन स्टेप्स अमंग करेक्शनल मेथड इंक्लूड वोकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट, वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट, हेल्थ केयर सर्विसेज, प्रॉपर विजिटिंग आवर्स बाय द फैमिली और फ्रेंड्स, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स,
रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स, रीडिंग ऑफ बुक्स, वही चीज़ हो गई। रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन के अंदर ये सारे पॉइंट्स जो है वो, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो जो है इंक्लूडेड रहते हैं। इजी हो गया जी। कंक्लूजन अगर हम यहाँ पर देख लें तो सो द जुडिशरी इज एन इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस, स्पीडी ट्रायल इज एन एसेंशियल कंपोनेंट। स्पीडी ट्रायल जो है एक एसेंशियल कंपोनेंट है और जुडिशरी जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है इस सब्जेक्ट का, क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस। ऑब्वियसली सजा देना जो है इनका काम है, सजा एग्जीक्यूट करना जो है वो हमारा पुलिस का काम है, एग्जीक्यूशन। चलो जी नेक्स्ट। अच्छा ये तो आगे खत्म हो गया। चलो जी यही था जी हमारे यहाँ पर। देखता हूँ मैं अगर थर्ड टॉपिक जो है कवर अप कर लेते हैं इसी सेम उसके अंदर, क्योंकि इंटरेस्ट जग चुका है मेरा भी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। चलो जी ये इसको फिर देखो, तो फिलहाल मैं यही रोकता हूँ। थैंक्स वॉचिंग टू दिस वीडियो। प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट। बाय एंड टेक केयर।